सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल करूंगी यूजिंग अ टूथ टूथकोम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ताकि मेरे बाल ना उलझे नहीं जब मैं उन्हें धो रही होंगी और शैम्पू के लिए मैं यूज करूंगी बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर शैंपू दिस इज माई सेकंड बॉटल ऑफ दिस शैंपू शैंपू यूज करने से पहले मैंने अपने सारे बालों को गीला किया उसके बाद मगी में थोड़ा सा पानी लेके मैं शैम्पू को उसमें ऐड करूंगी टू डायल्यूट द शैंपू ऐसा करने से ना यू एंड अप यूजिंग लेस शैम्पू फिर धीरे धीरे करके गीले बालों में मैंने शैम्पू ऐड करना शुरू किया और आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से ये शैंपू लेदर भी हो पा रहा है और इवन मैंने अपने पूरे बालों में इसे स्प्रेड कर दिया एंड देन आई विल स्टार्ट वॉशिंग माई हेयर सो यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से मैं अपने बालों को को स्कैल्प मसाज दूंगी ताकि कोई भी गंदगी होगी मेरे बालों में वो रिमूव हो पाए बिल्कुल भी नाखून का यूज नहीं करना है सो so दो से तीन से स्कैल्प को मसाज करने के बाद मैं स्कैल्प स्केजर भी यूज करूंगी ये पिंक वाला ये मैंने अमेजोन से खरीदा था काफी अच्छा है ये इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट है ये गंदगी को डर्ट को रिमूव करने में मदद भी करेगा कि लंबे लंबे नाखून है और आपको लंबे नाखून रखना पसंद है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू इन्वेस्ट ऑन स्कैल्प मसाजर फिर करीबन दो से तीन मिनट तक स्के बालों में ठंडी का समय होता है तो वाटर यूज कर रही होती अपने बालों में बालों को रिंस करने के बादउं माई हेयर एंड इसमंडीनर उसके लिए मैं यूज करूंगी हर्बल एसेंस का रियल बोटानिकल स्ट्रेंथ कंडिशनर जो शैम्पू मैंने यूज किया उसका खुद का कंडिशनर भी आता है बट वो मेरा खत्म हो गया एंड आई बिन यूजिंग दिस लेटली अच्छा है ये कंडीशनर पहले भी दिखाया है काफी बार मैंने अपने चैनल पे सो फ्रॉम दी इंड थ लेंथ ऑफ माई हेयर इस कंडीशनर को अच्छे से इवनली स्प्रेड करूंगी स्पेशली फॉर वो काफी रफ और डैमेज से हो गए की मदद से माई हेयर एंड आई एम ऑन फॉर फाइव मिनट पांच मिनट तक क्या किया मैंने बाथरूम में वेल मैंने अपने अंडर गार्मेट्स इन्फॉर्मेशन एनी वे पांच मिनट हो चुके हैं इट्स टाइम टू रिमूव द रेसिडी ऑफ द कंडीशन फ्रॉम माई हेर उसके लिए अगेन आई एम यूजिंग नॉर्मल टेमपेचर ऑफ वॉटर कंडिशनर रेंस करने के बाद स्कूज आउट एक्स अमाउंट ऑफ वटर फ्रॉम माई हेयर एंड फिर उसी क्लचर की मदद से आम गो सिक्योर माई हेयर उसके बाद

फिर एक फूड स्क्रबर में थोड़ा सा बॉडी वॉश लेके मैंने अपने पैरों को भी अच्छे से स्क्रब किया Then, again, और फिर जब मेरा गीला था आई विल यूज माई रेजर इज बाई लेटली बट पैरों के लिए आई स्टिल प्रिफर वैक्सिंग इस रेजर में इन बिल्ड लुब्डिकेंट आता है, तो मुझे अलग से लुब्रिकेंट लेने की जरूरत नहीं है रेजर यूज करने के बाद बॉडी को फिर से एक बार नॉर्मल वाटर से धोया था मैंने एंड उ इट टाइम टू वॉश माई फेस मैं आपको कुछ अपने फेवरेट क्लेंजर्स के ऑप्शन दिखा रही हूँ आर जेंटल एवरी डे क्लेंजर एक्सफोलटिंग क्लेंजर दर आई लाइक टू यूज अभी मैंने यूज किया जेंटल क्लेंजर दिस इज बाई डरमा कोलाइन ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ये आपकी स्किन से डर्ट कंग तो रिमूव करता है स्किन को हाइड्रेट भी रखता है इट हेल्प टू कंट्रोल दी ऑयल क्लेंजर को अच्छे से सर्कुलर मोशन में दो से तीन मिनट मसाज किया मैंने अंदर एम वो रिस्फ यूजिंग नॉर्मल वाटर अगेन उसके बाद आई एम गोन पैड्राइ माई स्किन यूजिंग माई फेस स्टाइल एंड एम बैक फ्रॉम द शार मैंने अपने घर के कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं इट्स टाइम टू डू द स्किन केयर सो सबसे पहले मैं यूज करूंगी लिप बाम अगेन शोइंग यू सम ऑफ माई फेवरेट लिप बाम्स here. मैंने यूज किया एक्लॉजिका का रेडियंस प्लस लिप बाम काफी हाइड्रेटिंग है ये लिप्स पे और मेरे लिप्स ना काफी जल्दी चैप हो जाते हैं नो मैटर वॉट सीजन दिस इज एनी वे मूविंग ऑन टू टोनर मैं टोनर तब अप्लाई करना पसंद करती हूँ जब मुझे लगता है कि यू you नो know, काफी टाइम हो गया है शावर और स्किन केयर के बीच में और स्किन बिल्कुल भी डैम्प नहीं है जैसे अभी काफी टाइम हो गया था और स्किन को करने की जरूरत थी मुझे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना रोज वाटर यूज किया सो so, जब तक टोनर सिंकिंग हो रहा है फेस पे मैं बॉडी लोशन अप्लाई कर देती हूँ so, दो और बॉडी लोशन जो मैंने आपको है, मैंने आपको दो सर एक्टिव वंस आज शेव किया था अपने हैंड्स को दैट्स आई एम यूजिंग रेगुलर बॉडी लोशन एंड ऑनस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर अबाउट बॉडी लोशन आई जस्ट वॉन्ट द फॉर्मुला टू बी ग्रेट आई वॉन्ट की वो हाइड्रेटिंग हो मॉइस्चराइजिंग हो लाइट वेट होना चाहिए फॉर्मुला स्पेशली फॉर समर्स तो कुछ दो पंप मैंने बॉडी लोशन का लिया अच्छे से पूरे आर्म्स में

स्किप माई सनस्क्रीन थ्री फिंगर मैथड का यूज करते हुए अप्लाई करूंगी सो दिसन इज हाइड्रेटिंग एंड ग्लोइंग सनस्क्रीन एक सनस्क्रीन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा क्योंकि इसके अलावा दे आर डेफिनेटली अदर सनस्क्रीन का फॉर्मुला दट आई लव माइक्रो फाइबर हेड्रैप निकालने का समय आ चुका है एक्सेस वॉटर फ्राम माई हेयर यूजिंग दिस हेड ड्रैप और सिरम के लिए मैं यूज करूंगी बीब्लन का इंटेंस मॉइस्चराइज सिरम आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस सिरम थोड़ा सा पान में लेके आई एम गुना अपलाई दैट फ्रॉम दुक टिल दी लेथ ऑफ माई हेयर एंड नाम गुना एयर ड्राई नाइन परसेंट ऑफ माई हेयर जो कि गर्मियों में जल्दी सूख भी जाते कुछ एक घंटा लगेगा मुझे एंड एक घंटे बाद दिस इज वॉट माई हेयर लुक्स लाइक उसके बाद आई एल बी यूजिंग हीट प्रोडक्ट एंड सिरम दिस इज अगेन माई बी बल्ड आई नो काफी सारे बी बीब्ल के प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं वे एम टॉकिंग अबाउट लाइक हेयर केयर रूटीन पर उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं के ही प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ देर आर अदर हेयर केयर प्रोडक्ट्स बट लेटली हाई बीन यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स सो अच्छे से हीट प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आई एम स्प्रेड दम इवनली एंड एम गो डिवाइड माई हेयर इन टू सेक्शन उसके बाद आई एम गो ब्लो ड्राई माई हेयर आई एम नॉट गो ब्लो ड्राई माई एंटायर हेयर बट जो दी लेंथ ऑफ माई हेयर आई लाइक टू डू स्टेप क्योंकि नीचे के बाल जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा फ्रिजी है माई हेयर so ताकि वो ज्यादा फ्रिजी ना हो जाए और ज्यादा टूटे नहीं उलझे नहीं कोम में बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए मैं यूज कराइंग ब्रश दिस मेक्स द प्रोसेस सो मच फास्टर ऑफ ब्लो ड्राइंग ज्यादा सेक्शन मैंने किए नहीं और ऊपर वाले बालों को तो फ्लिप करके पूरा सेक्शन लेके नीचे नीचे एंड को ब्लो ड्राई कर रही हूँ फिर ब्लो ड्राई करने के बाद हम फ्लिप बैक माई हेयर एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट बाल कितने हेल्दी सॉफ्ट और ऐसे भरे भरे लग रहे हैं स्पेशली क्राउन सेक्शन सो ब्लो ड्राइंग से यही होता है क्राउन सेक्शन में ना आपको एड हो जाता है ब्लो ड्राई को भी उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी मिस्ट सो फर्स्ट आल बीजिंग वेनिला फ्रेग्रेंस बाई प्लम बॉडी लविंग सो पूरे बॉडी में अप्लाई करूंगी मैं इसको उसके बाद आई बी यूजिंग स्किन बाई टाइट एंड सिलेस्ट बॉडी मिस्ट उसको भी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करूंगी बॉडी पे अप्लाई करूंगी और क्लोथ पे अप्लाई करूंगी स्पेशली अंडर आर्म एरिया के पास टू अपलाई डिओड्रेंट समाइम बट टू डे स्किप्ड डिओं क्योंकि मैंने अंडर आम को भी शेव किया था बट वो मैंने आपको दिखाया नहीं लास्ट बट नॉर्थल स्पॉट करते हैं है। yes, पूरा स्किन केयर करने के बाद इसको अपलाई किया है अपने फेस पेज आई डोंट लाइक टू ब्लेंड इट मच आई लाइक टू लिव इट देयर अगर मैं घर से बाहर निकल रही होती तो मैं एक्लॉजिक का क्लियर प्लस एक्नी ड्रॉप यूज करती और मैं उसे स्किन केयर के बीच